त्रिकुट रोपवे हादसे के करीब 80 दिन बाद उच्च स्तरीय जांच टीम देवघर पहुंची। टीम त्रिकुट पर्वत की चोटी पर पैदल मार्च कर काफी मशक्कत से पहुंची। मौके पर रोपवे प्रबंधक विनीत सिन्हा द्वारा 5 सदस्य टीम को हादसे से जुड़े हर पहलुओं को बारीकी से समझने की कोशिश की। टीम ने अपनी जांच के दौरान रोपवे संचालन के पूरे रूट को देखा। इसके अलावा रोपवे कर्मचारियों, रोपवे संचालित करने वाले एजेंसी के प्रतिनिधि, स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए। जांच के घटना स्थल की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। इस दौरान घटना के दिन से एक दिन पूर्व तथा रेस्क्यू के अंतिम दिन तक सीसीटीवी फुटेज को जांच टीम ने जब्त कर लिया है। हालांकि रोपवे प्रबंधक द्वारा सीसीटीवी फुटेज देने में आनाकानी की जा रही थी, लेकिन जांच टीम के सख्त आदेश के बाद प्रबंधक द्वारा सीसीटीवी फुटेज दिया गया, जबकि ग्रेड मार्किंग नहीं रहने पर जांच करने आए अधिकारी भड़क गए। त्रिकुट रोपवे के चोटी पर पहुंचते ही जांच टीम ने सर्वप्रथम ग्रेड मार्किंग का निरीक्षण किया। ग्रेड मार्किंग नहीं होने की वजह से जांच टीम रोपवे प्रबंधक पर भड़क उठे। जांच टीम के अधिकारी DGMS हैदराबाद के रत्नाकर सुनकी ने प्रबंधक को फटकार लगाया। बता दें, जांच टीम में कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं थे। त्रिकुट चोटी पर चढ़ने के दौरान जांच टीम में शामिल पर्यटक निर्देशक राहुल कुमार सिन्हा की तबीयत बिगड़ गई। 2052 फीट की चढ़ाई के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। हालांकि स्थानीय लोगों एवं पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से तबीयत में सुधार हो पाया। इधर जांच टीम ने यह समझने की कोशिश किया कि रोपवे पर हादसा किस कारण से हुआ, भविष्य में कैसे दुरुस्त व्यवस्था की जाए कि रोपवे का सुरक्षित संचालन किया जा सके। टीम में शामिल पदाधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान हर चीज को बारीकी से देखा गया है। टूटे पैनल, मैनुअल चक्री, ट्रॉली मूवमेंट सिस्टम, लिमिट स्विच, गियर बॉक्स, तार से लेकर नीचे गिरे हुए केबिन, सभी की जांच की गई है। साथ में मौजूद विशेषज्ञ टीम ने पूरे तरीके से जांच की है। हालांकि निकटतम भविष्य में रोपवे चालू होने के आसार कम। DGMS हैदराबाद के पदाधिकारी रत्नाकर सुनकी ने कहा कि हादसे की वजह को पूरी तरह से समझने के लिए रोपवे में लगा कुछ मटेरियल के जांच करने की आवश्यकता है। रोपवे को फिर से बहाल करने के लिए उच्च स्तरीय जांच के दौरान निकली खामियों को दूर करने की सहमति होने के बाद ही पुनः रोपवे को बहाल करने की तैयारी की जाएगी। फिलहाल जांच के दायरे में रोपवे चल रहा है। अभी जांच की शुरुआत हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट रूप से इस पर कुछ कहा जा सकेगा। जानकारी हो कि 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन त्रिकुट रोपवे पर हादसा हुआ था। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 44-50 घंटे से अधिक समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। 46 लोगों को सेना के गरुड़ कमांडो NDRF के अलावा स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया था। राज्य सरकार ने हादसे की जांच के लिए 19 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर जांच कमेटी का गठन किया। कमेटी को 2 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। हादसे के करीब 3 माह होने को है तब कमेटी जांच के लिए मौके पर पहुंची। अब आपकी मोहल्ले वाली दुकान बन सकती है मोहल्ले वाली बैंक। इजी कैश पॉइंट आपको कम खर्च में CSP खोलने का मौका देता है, जिसके जरिए आधार कार्ड द्वारा किसी भी बैंक से पैसे निकालने, जमा करने और मोबाइल, DTH और इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज करके आसानी से 15,000 से 20,000 तक का कमीशन कमा सकते हैं। तो CSP ID के लिए आज ही कॉल करें 7726006565 पर और बनिए मोहल्ले का मिनी बैंक।